पाकिस्तान दुनिया का पांचवां बड़ा कॉटन काश्त करने वाला मुल्क है, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में पूरी दुनिया में तकरीबन 20वें नंबर पर आता है, जबकि बांग्लादेश की कॉटन की पैदावार ना होने के बराबर है। लेकिन इस वक्त चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। आखिर ऐसा है क्यों, आइए देखते हैं। 2013 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 13 अरब डॉलर थी, जबकि बांग्लादेश की 21 अरब डॉलर थी। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश का टेक्सटाइल में मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ना सिर्फ इंसेंटिव से महरूम रखा गया, बल्कि मज़ीद मुश्किलात भी पैदा की गईं। मिसाल के तौर पर डॉलर को मस्नूई तौर पर अंडर वैल्यूड रखा गया और एक्सपोर्टर को हर डॉलर के बदले में कम रुपये मिलते थे, जिससे उनको नुकसान पहुँचता रहा। एक बड़ा मसला ये भी था कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फराहम की जाने वाली बिजली और गैस की कीमत भी बांग्लादेश, चाइना और इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी, और इसके अलावा एक्सपोर्टर्स को हुकूमत की जानिब से उनके अरबों रुपए के टैक्स रिफंड्स भी वापस नहीं दिए जाते थे, ताकि हुकूमत अपना टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा दिखा सके। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, और 2018 में जहाँ बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 57% इजाफे के साथ 21 से 33 अरब डॉलर पर पहुँच गई, वहाँ पाकिस्तान की सिर्फ 3% इजाफे के साथ 13 से 13.4 अरब डॉलर तक ही पहुंच सकी। और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 50% से भी ज़्यादा हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में भी इन 5 सालों में कोई इजाफा नहीं देखा गया। जब मौजूदा हुकूमत इक्तदार में आई तो मईशत को कई मसाइल दरपेश थे, जैसा कि तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट, तेज़ी से गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और मस्नूई तौर पर फिक्स किया गया एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से एक अनसस्टेनेबल इंपोर्ट लेड इकॉनमी ने जन्म लिया और एक्सपोर्ट्स को बेहद नुकसान पहुंचा। इस हुकूमत ने सबसे पहले तो डॉलर के एक्सचेंज रेट को मार्केट ड्रिवन किया, जिससे वो अपनी फेयर वैल्यू पर आ गया। मजीद आसानी पैदा करने के लिए एक्सपोर्टर्स को फराहम की जाने वाली बिजली को 11 से कम करके 7.5 सेंट किया गया, ताकि पाकिस्तान खित्ते में दीगर ममालिक से कम्पीट कर सके। इसी तरह गैस की कीमत को कम करके 6.5 सेंट पर MMBTU पर फिक्स किया गया, और एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स को यकीनी बनाने के लिए FPR के रिफंड सिस्टम में बेहतरी लाई गई, और ना सिर्फ इस दौरे हुकूमत के रिफंड दिए गए बल्कि माजी के तमाम बकाया जात को अदा किया गया। इसके अलावा 1600 से ज्यादा रॉ मटेरियल आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म की गई। फिर 2020 के शुरू में कोरोना वायरस की वबा आई और दुनिया भर की मईशत को तारीखी नुकसान पहुँचा, मगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जामे हिकमत अमली को अपनाते हुए मईशत को बतदरीज खोला और सनतों को मज़ीद इंसेंटिव्स दिए। चंद महीने पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सनतों के लिए एक तारीखी एनर्जी रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया गया, जिसके तहत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% और बड़ी सनतों को 25% छूट दी गई, और इसके अलावा पी कार रेट का भी मुकम्मल खात्मा किया गया। इन सब इकदाम से सनतों की ना सिर्फ खातिर ख्वाह बचत हुई, बल्कि उनको अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करने का मौका भी मिला, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो किसी ज़माने में गलत पॉलिसीज़ के बायस बुरी तरह मुतासर थी, अब तेज़ी से बहाल हो रही है। पिछले महीने 50,000 से ज़ायद गैर फाल पावर लूम्स एक बार फिर फाल हुई, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुँच चुकी है। यहाँ तक कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, और कोविड के बावजूद माली साल के पहले 4 माह में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 4.8 अरब डॉलर को जा पहुँची, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शोबा है, और ये सनतों में काम करने वाली 40% लेबर फोर्स को रोज़गार फराहम करता है। 2018 से कबल दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश और दीगर ममालिक में शिफ्ट हो रही थी, अब वापस पाकिस्तान आ रही है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होने की हैसियत से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम इम्पोर्ट लेड इकॉनमी से एक पायदार एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनाने में भरपूर किरदार अदा करेगी।